हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रेजी फूडी सिस्टर। आज हमने बनाया है चीज़ केक। देखिए हमने कितना टेस्टी और यम्मी चीज़ केक बनाया है। आपको हम स्टेप बाय स्टेप इसके इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं और ये बहुत सॉफ्ट रहेगा। देखिए इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। चलिए, डाइजेस्टिव बिस्किट, वेनिला एसेंस, जेलेटिन, व्हिपिंग क्रीम, मेल्टेड बटर, चीज क्रीम, आइसिंग शुगर। हमने 2 पैक्स ऑफ डाइजेस्टिव बिस्किट्स लिया है। अभी हम इसे क्रश कर लेंगे अच्छे से। देखिए बिस्किट को हमने अच्छे से क्रश कर लिया है। अभी हम इसमें बटर ऐड करेंगे। ये हमारा बेस होगा केक का। अभी हम इसमें 1/2 कप ऑफ बटर ऐड करेंगे, मेल्टेड बटर। और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अभी हमने मोल्ड लिया है, छोटा वाला मोल्ड। अभी हम इसके अंदर फर्स्ट हमने ग्रीस कर दिया है बटर मोल्ड पे, और अब हम ये ऐड करेंगे इसमें। आप देख सकते हैं कि हमने मोल्ड के साइड में भी वॉल्स बनाए हैं, और ये खटोरी के हेल्प से हम इसको थोड़ा प्रेस करेंगे और सेट कर देंगे इसको, इसके बेस को। फर्स्ट हम क्रीमी चीज़ को ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। अगर आपके पास बीटर हो तो आप बीटर के हेल्प से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास बीटर ना हो तो अब हम मिक्सी में कर लेंगे। ये कोई भी स्टोर में आपको मिल जाएगा चीज़ क्रीम। हमारा क्रीमी चीज़ ब्लेंड हो चुका है। अभी हम एक बाउल में काट लेंगे इसको। देखिए ऐसा प्लफीनेस होना चाहिए। अगर आपके पास ब्लेंडर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो आप ऐसे भी ब्लेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेम जार में हम व्हिपिंग क्रीम ऐड करेंगे और फिर से हम ब्लेंड कर लेंगे इसको भी। अब व्हिपिंग क्रीम को ऐड कर देंगे हम। जेलेटिन में कोल्ड वाटर ऐड करेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स करके 1-2 मिनट इसे साइड में रख दीजिए। नेक्स्ट स्टेप, हम जो हमने चीज़ क्रीम और व्हिपिंग क्रीम को ब्लेंड कर लिया था, अब हम आइसिंग शुगर ऐड करेंगे इसमें। 1/2 बाउल ऑफ आइसिंग शुगर, 1/2 स्पून ऑफ वेनिला एसेंस, और जल्दी से इसे मिक्स कर लीजिए। जल्दी से इसे मिक्स कर लीजिए अच्छे से। देखिए अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए हमारा टेक्सचर कैसा आया है। हम जेलेटिन ऐड करेंगे इसमें और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जेलेटिन को भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब ये हो चुका है, हमारा क्रीमी टेक्सचर रेडी हो चुका है। अभी हम इसको पोर करेंगे इसके अंदर। अब हम इसको रेफ्रिजरेटर में रखेंगे 2 to 3 hours। अभी हमारा केक रेडी हो चुका है। 3 hours हो गए हैं। देखिए अच्छे से सेट हो गया है केक। हमने डेकोरेशन के लिए हशीज यूज़ कर रहे हैं। अभी हम केक को मोल्ड से काट लेंगे, चीज़ केक को। वाव, देखिए कितना अच्छे से आ चुका है ये, कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी आपको टेम्प्ट हो रहा है ना खाने के लिए, तो आप ट्राई कीजिए ज़रूर से। अब हम इसे कट करेंगे।
अभी हम हर्शीज डालेंगे जस्ट फॉर डेकोरेशन। नाउ दिस इज रेडी टू सर्व। देखिए कितना यम दिख रहा है, आप ट्राई करके देखिए, आपको भी टेस्ट पसंद आएगा। और आप ऑलरेडी हमारे वीडियो को लाइक करको हैं तो सिर्फ थम दे दीजिए। जो नए हैं हमारे चैनल पे प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करना मत भूलिए कि आपको ये डिश कैसी लगी। हमारे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।